दिल्ली पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में यह मांग उठने लगी थी कि अब भारत को अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ सभी तरह के संबंध खत्म कर देने चाहिए। पाकिस्तान के साथ संबंध राजनीतिक ही नहीं, खेल समेत हर स्तर पर खत्म होने चाहिए। एक बार फिर यह मांग तेज होने लगी है। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने आगामी क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच न खेलने पर अपना स्टैंड एक बार फिर दोहराया है। गंभीर ने कहा, हमें पाकिस्तान से अपना ग्रुप मैच ही नहीं बल्कि अगर टूर्नामेंट का फाइनल भी हो तो वह भी नहीं खेलना चाहिए। गौतम गंभीर ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, वर्ल्ड कप में भारत को पाकिस्तान से खेलना चाहिए या नहीं यह तो बीसीसीआई को ही तय करना है, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि पाक के खिलाफ अपना मैच खेलने में कुछ भी गलत नहीं है। मेरे लिए वह दो अंक इतने अहम नहीं है। हमारे जवान किसी भी क्रिकेट गेम से ज्यादा अहम है। पढ़े, वर्ल्ड कप में पाक से न खेले टीम इंडिया। भज्जी गंभीर ने आगे कहा, अगर भारत को पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल खेलना पड़े तो भी हमें उस मैच को नहीं खेलना चाहिए। मैं मानता हूं कि हमारा देश इसके लिए भी तैयार होगा। हमें अपने फैसलों पर यूटर्न नहीं लेना चाहिए। जैसा कि समाज के कुछ धड़ों से आवाज आनी शुरू हो चुकी है कि हमें खेल और राजनीति की एक साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। पढ़ें, वर्ल्ड कप में पाक के खिलाफ नहीं खेलेगा भारत। बता दें, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद देश भर में यह मांग जोर पकड़ने लगी कि भारत को आगामी क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के साथ अपना मैच नहीं खेलना चाहिए। इस बीच भारत ने पाकिस्तान में पल रहे आतंकी कैंपों पर जवाबी एक्शन लेते हुए पाकिस्तान के बालाकोट स्थित जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े प्रशिक्षण शिविर पर हवाई हमला किया था, क्योंकि पुलवामा हमले की जिम्मेदारी जैश ने ही ली थी। इसके बाद से वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ मैच पर चर्चा पर विराम लग गया था।